अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्टोर एक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है टाटा इन ऑटो एक्सपो 2023 वॉक अराउंड टाटा पवेलियन। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो साल के स्टार्ट होते साथ ही एक ऑटो एक्सपो आ गई है और वो भी टाटा की में, टाटा की। तो बहुत ही कमाल की मेरे ख्याल से होने वाली है। इसमें हमें नई नई जो इनकी कार्स हैं वो देखने को मिलेंगी कि जो इन्होंने अभी लॉन्च की होंगी, है ना, डेफिनेटली या लॉन्च कर रहे होंगे। तो चल के देखते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के, एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें दो या तीन दिन पहले जो मैंने वॉक अराउंड की वीडियो डाली है ना, उसमें मैंने सारे पवेलियन कवर करे, लेकिन टाटा का रह गया। अब रह कैसे गया भाई, उस समय खुला ही नहीं था, लेकिन आज पब्लिक के लिए भी खुला है, अपने लिए भी खुला है। तो करते हैं स्टार्ट पूरा देश की शान टाटा का पवेलियन। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो इंडिया के लिए हैं और इंडिया में बनेंगी वो टाटा में ही हैं। करते हैं शुरू। ये जो अपना हॉल नंबर 14 है ना, आपको दिख रहा है, मतलब जो 15 है उधर, वो अपना सीधी की सीधी गैलरी जा रही है किसके, एमजी के लिए। उस समय वो खुला था लेकिन 14 नहीं खुला था। अब अपने चलते हैं यहाँ और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा टाटा का मामला। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है भाई, कंपनियाँ तमाम गाड़ियाँ दिखा रही है। एमजी ने भी बहुत गाड़ियाँ दिखाई हैं, लेकिन उसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में ही बिक रही हैं, इंडिया के लिए कुछ नहीं है। बस दिखाना है कि हाँ हमारे पास है, चलो बढ़िया है। लेकिन टाटा ने सबसे ज़्यादा धमाका करा। देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है, अब पब्लिक देख रहे हो भाई, आज पहला ही दिन है और अभी शुरुआत ही है, फर्स्ट हाफ है, दोपहर बाद तो क्या ही क्या होगा। यहाँ से शुरू होता है चार्जिंग का सिस्टम, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस समय का कॉन्सेप्ट है ना वो ईवी पर ही है। अब चार्ज होगी तभी गाड़ी आगे चलेगी, गाड़ी आगे चलाएंगे, लेकिन फिलहाल चार्जिंग का यहाँ सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखा रखी है हैरियर, कैसे कैसे एयरबैग सेट किए गए हैं हैरियर में, पूरा आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ। ये देखो एयरबैग भी खुले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा 6 एयरबैग है, तो दो सीट के साइड में फ्रंटल होगा और कर्टन एयरबैग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बन गया। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, मतलब अरे वाह भाई, आज यार सही करा इन्होंने, बताया मेरी शिकायत थी बैठने का सिस्टम ही नहीं था, अब तक नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया, चलो बहुत बढ़िया, लोग आके रेस्ट तो कर सकते हैं ना, होना चाहिए ये चीज़। सबसे पहले स्टार्टिंग में वो हो गया था इस साइड, अपने लेफ्ट साइड भीड़ भाड़ के पीछे एक बहुत ही शानदार सी चीज़ छुपी हुई है, वो क्या है, टाटा अवेन्या। ये आपने देखी होगी बहुत, ये इस जगह लगी है, क्या बात भाई, शोबाजी का टाइम है, फुल शोबाजी दिखा रही है, फुल स्टाइल दिखा रही है। इधर करते हैं कंप्लीट, आ जाते हैं इधर, ये पूरा का पूरा इस तरह से एरिया दिया गया, देखो आप ऊपर है ना, ये अच्छा पूरा टाटा का एरिया, लॉन्चिंग हो रही थी आप देख रहे थे कई वीडियो ऊपर से शूट हुई, वो यही था, पूरा एक्सेस था इसका, वहाँ से शूट कर सकते थे। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया पवेलियन टाटा का ही और सबसे बड़ा, देखना अभी एक एक करके दिखा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर आते हैं, तो ये है अपने टियागो जो आपने कई वीडियोज में देखी भी है, ठीक है। शुरुआत ही ऐसे प्रोडक्ट से करी है टाटा ने जो कि सबके रीच में है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये है टियागो ईवी का स्पोर्ट्स वेरिएंट, बिल्कुल अभी लॉन्च नहीं हुआ, प्रपोज है लेकिन आएगा, तो इस तरह से आएगा। जनरली हमको कोई भी गाड़ी हो उसमें कैसे वो अलॉय वलॉय दिखता है, बिल्कुल ढके ढके से, कवर कवर से ना, ये अभी भी इसमें ऐसे, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कन्वेंशनल वाले अलॉय व्हील दिखा रखे हैं, ये रहा, ग्लॉसी ब्लैक में है, उसके साथ क्लैडिंग दी हुई है व्हील आर्चेस पर, वो भी ग्लॉसी ब्लैक है, वो ग्लॉसी ब्लैक है, उसके साथ ग्रे ग्लॉसी ब्लैक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप ग्लॉसी ब्लैक है, वाइट के साथ ब्लैक ज़बरदस्ती लग रही है, ठीक है। अब आते हैं इधर, लेफ्ट राइट ऐसे करके बांट रखा है पूरा का पूरा, यहाँ का कंटेंट हमारे लिए तो कंटेंट है ना। तो भाई यहाँ पर आ गए, ये है अपनी हैरियर ईवी, ज़बरदस्त वाली पीछे करोल बाग वाली सीक्वेंशियल लाइट है, मस्त जलती लग रही है, देखो ज़बरदस्त किस्म की लुक है यार इस तरह से, ये क्या बात है, फुल शोबाजी भाई। ये हो गई यहाँ, आप इसके फ्रंट से दिखाते हैं आपको, और उस दिन ये जो ग्लासेस वगैरह है ना ये कुछ नहीं लगे थे, ये भाई अब तो बाउंसर वाउंसर फुल सेट है, सिक्योरिटी है ना, ये कुछ नहीं था उस दिन, सब कुछ चढ़ कर दिखा सकते थे। ये हो गई अपनी हैरियर ईवी, सामने से भी आपको इसी तरह सिक्वेंशियल DRL वगैरह, और उसके साथ ही यहाँ पर है अपनी कौन सी, ये देखो CRI भाई, भीड़ भाड़ बहुत है, थोड़ा सा मैनेज करना है, ज़बरदस्त गाड़ी, लेकिन किस तरह से दिख रही है आपको वो यहाँ पर दिखेगा, ये CRI भी। अब रिवॉल्व हो रहा होता तब रियर भी आपको दिख जाता, लेकिन जब होगा तब देखेंगे, दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा कैसी है रियर से। चलो ये हो गई। अब इसके बाद हाँ यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था, जब लॉन्चिंग हो रही थी तो सामने बिल्कुल देख रहे थे, पूरा का पूरा आपको बैक स्क्रीन जो थी ना, जो सब ऑफिशियल थे वो यहीं पर ही थे,
ठीक है, उसके साथ ही अपनी कर्व, इसको कर्व वी कहें, कर्व कहें, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा यार, बहुत आला है यार, जबरदस्त चीज है, पंच का मस्कुलर सा रूप है, ये एसयूवी बहुत जबरदस्त है, ज्यादा अल्ट्रा मस्कुलर। अब प्रॉमिस ये करा है कि इसको आईसी इंजन के साथ ही उतार देंगे, पहले ये था कि आप ठीक है हम दे देंगे बैटरी वैटरी वाला, लेकिन नहीं, आप तो भाई नॉर्मल जो पेट्रोल वाला इंजन है ना उनके लिए भी, जो प्रैक्टिकल पेट्रोल को मानते हैं उनके लिए भी अभी प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो भाई पेट्रोल पे, अब उसके बाद आ गया यहाँ टाटा की, मैंने कोई पाकिस्तान में व्हीकल देखी भी नहीं है, ऑल्ट्रोस रेसर मैंने दिखाया था, कोई भी मेरे ख्याल में नहीं आती ना, शायद डाल ही दिया है वीडियो, इस जगह अब ब्लैक के साथ रेड है तो यहाँ पर भी ब्लैक के साथ रेड कॉम्बिनेशन दिया है इसीलिए, और बाकी भी सब कुछ ब्लैक के साथ रेड ही है। देखो यहाँ ऑल्ट्रोस सीएनजी ये भी आपको ब्लैक के साथ रेड है, जिसमें अपनी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी पहली बार, जो कमजोरी थी उसको ताकत बनाना टाटा से सीखा, बड़ा स्पेस होता था, डीप होता था, तो कोई बात नहीं अपने सिलेंडर लगा दिए इस तरह से सीएनजी पे, बहुत बढ़िया। कितने लीटर का भाई? 60 लीटर इन टोटल। नहीं नहीं, अरे वो कैपेसिटी नहीं, ये अपना बूट स्पेस कितना है? 150 लीटर प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह से है ये, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें भी सेम कहानी है, सेम सेटअप है, स्पेस मैनेज कर दिया है अपना, और अब पूछते हैं कितना बूट स्पेस मिल रहा है, सब बूट स्पेस कितना मिल रहा है इसमें अब? 150 प्लस है, तो कहानी वही है, उसमें 150 कह रहे हैं, इसमें 150 प्लस, अभी पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अपना पंच यहाँ पर सनरूफ के साथ, और यहाँ पर ऑल्ट्रो सनरूफ के साथ सीएनजी में आपको मिल रही है, क्या बात है। तो यहाँ पर इस तरह से लगे, चलो भाई अपना इतना कवर हो गया एरिया, अपना इतना कवर हो गया ये एरिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं, कहाँ देखो छुपा रखा, देख रहे हो इसके पीछे, बहुत लोग मिस कर रहे हैं, आप लोग जब आओगे आप मिस मत करना, यहाँ जैसे ये रेड रेड दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तब आपको दिखेगी एक शानदार सी चीज़, वो क्या है, पूरा का पूरा हैशटैग डार्क जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है, आपको कोना मिल रहा है, खोपचा मिल रहा है, खोपचे में क्या है, खोपचे में अपनी हैरियर हैशटैग डार्क जो कि रेड से है, बिल्कुल डार्क रेड एडिशन है ये। सामने चेंजेस क्या है, आपको यहाँ एसेंट मिल रहा है, डिक्रोम कर दिया पूरा का पूरा, उसके साथ यहाँ पर आपको रेड कलर के कैलिपर्स, इंटीरियर रेड कर दिया है, 360 कैमरा दे दिया है, उसके साथ साथ अंदर देख रहे हो भाई 10.25 इंच की स्क्रीन दे दी है, क्या बात है, ऑटोनोमस आपको इसमें सेफ्टी सिस्टम दे दिया है, एडास लेवल 1 से कुछ एक्स्ट्रा ही है, प्लस में ही है, ठीक, और रियर का है कुछ ये, और सिर्फ 5 सीटर तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है ये, अपना 5 सीटर के साथ साथ इसमें अपना जो 7 सीटर ऑप्शन, मतलब अपनी सबकी प्यारी सफारी, उसमें भी बहुत चेंजेस हैं, वही सारे थीम में डार्क रेड वाली ये इस तरह से, ठीक है भाई, वही 10.25 इंच और सब कुछ अडास वगैरह सब कुछ इसमें भी वही प्रीमियम लुक है ना इसकी। चलो ये चीज़ यहाँ कवर हो जाती है, उसके बाद आते हैं अपने यहाँ खोपचे से निकल के आगे की तरफ, अब भाई ख़त्म हो गया है अपना जो पैसेंजर वाला था ना, मतलब कारवार वाला था, वो ख़त्म हो गया है। अरे सर कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा निपटा दें, जस्ट निपटा दो एक सेल्फी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखता रहता हूँ। चलो अच्छा अच्छा, तो सर ले रहे हैं सेल्फी, तब तक अपने संस्कारी समय, हाँ हाँ अपकमिंग में आएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई तो इस तरह से ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर बीच में अगर ये कार्ड देते इनके रोल थोड़े से ऐसे हो जाता है ना कि चलो यार ठीक है, यहाँ पर एक मैडम आती हैं सुंदर सी, वो बढ़िया सी आवाज़ में, दमदार सी आवाज़ में प्रेजेंट करती हैं, पूरा का पूरा पवेलियन बताती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे वो यहाँ खड़े होकर बताती हैं, पीछे प्रेजेंटेशन चलती रहती है उनके बोलने के साथ साथ, और लोग यहाँ खड़े होकर एकदम से देखते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। चलो भाई ये हो गया, अब मैंने बताया था आपको पैसेंजर की तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना लगा हुआ है योद्धा, नाम ही बड़ा जबरदस्त है, अलॉय वाला व्हील भाई, पुराने सफारी जो आती है ना उसके अलॉय व्हील यहाँ पर दे रखे हैं, मस्त पूरा बड़ा डैक, और अच्छी चीज़ क्या है इसमें, इसमें अच्छी चीज़ है 1.8 टन 2.2 लीटर सीएनजी के साथ, बिल्कुल वही वाला अपना जो वेरिकॉर इंजन होता था वही वाला है, और इसमें आपको मिल रही है 2.2 लीटर सीएनजी, क्या बात है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ही अपना दिया हुआ जो अपना आता था छोटा हाथी, लेकिन अब इंट्रा है, जनरली बोल ही देते हैं भाई छोटा हाथी, ठीक है छोटा हाथी पिकअप, ये बाई फ्यूल में पेट्रोल इंजन निकाल दिया है, अब पेट्रोल इंजन निकालने से क्या फ़ायदा है, आप सी एन जी में तो चला ही सकते हो, उसके साथ साथ आपको इसमें छोटा सा स्पेस और मिल जाता है जिसमें आप पेट्रोल रख सकते हो,
सीएनजी का भी खत्म हो गई या नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, पेट्रोल से चलाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, आगे आपको दिखते हैं बड़े बड़े शानदार से ट्रक। कार को छोड़ के लोग ट्रकों की तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया में हमने कभी ऐसे ट्रक देखे नहीं है। विदेशों में तो देखते थे, फॉरेन में देखते थे, लेकिन लिटरली मैं अगर खड़ा हूँ तो कहाँ आ रहा हूँ, इसके यहाँ पर आ रहा हूँ, देख रहे हो मैंने फेस के आगे लगा रखा है। अब आप इसका अंदाजा लगाओ कितनी ही हाइट है, मोनोग्राम से भी नीचे, आधे से भी कम हाइट पर हूँ। प्राइमा H2 बिल्कुल इस तरह से दिया हुआ है, और पूरा का पूरा जबरदस्त सेक्सी सा ट्रक लगता हुआ है। और आते हैं इसके साइड में, कितनी कैपेसिटी है, पुला रही है, और कैपेसिटी कितनी है, बहुत बड़ी बात है, इतनी इतना वजन। ये देखो, देख रहे एक्स्ट्रा सेंसर लग रहा है टायर्स में भी, आगे भी पीछे, हैवी ट्रॉला टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। उसी तरह से यहां पर ये दिया हुआ है, ये फ्यूल सेल वाला है, और ये आईसी इंजन है, आईसी इंजन मतलब वही टाटा ने कमाल कर दिया भाई फ्यूल सेल के साथ, क्योंकि फ्यूल सेल का भी कॉन्सेप्ट इस जो अपना ऑटो एक्सपो है उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और अपना हो गया इधर ये FC और फ्यूल सेल आ गया इसीलिए, और उसके साथ ये है टिपर अपना प्राइमा E28K, ठीक है। ये तो अपना थीम मतलब कलर चेंज जो है वो हुआ है थोड़ा सा, लेकिन कैपेसिटी टायर्स, ओहो एक्सल देख रहा हूँ, मजबूती पता लग गया, 28 टन, मज़ा आ गया भाई। इस तरह से ये आपको अंडर अंधी हुई है प्रोटेक्शन साइड की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अरे अरे सर क्या बात है, चलिए और मिल गए हमारे प्रशंसक और यहाँ पर आ गए, ठीक है। सिग्ना यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये फ्लैट बेड में है देखो, और XL ही XL। रीज़न क्या है इतने सारे XL का, 48 टन की कैपेसिटी है इसमें, हैवी लोड लेकर जाना है, फ्लैट बेड चाहिए वो मिल जाता है आपको, और उसके साथ साथ 6700 लीटर का इंजन है, CNG पावर्ड। कौन कहता है CNG पावर कम करना है, इतना हैवी मतलब धमाकेदार, बताओ यार क्या ही हो गया टेक्नोलॉजी को। उसके बाद आ जाते हैं स्टारबस EV, मतलब अपना कमर्शियल हो गया EV में हैवी वाला, और कमर्शियल अब आ गया पैसेंजर में, बिल्कुल इस तरह की, मैं तुझे कह रहा हूं वो बसेस जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से भाई ऑर्डर करवा लेते हैं, कलर थीम हो जाती है, लेकिन देखने में ये कलर पूरी की पूरी उसका ना लाइनअप का बहुत सही लग रहा है। एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ क्या माहौल सा है, थोड़ा सा अंदर का झरोखा, बिल्कुल बिल्कुल वही है। चलो केजरीवाल की बस का रंग बदल चुका है अब, है चलो भाई लो खुश हम खुश। हेलो हेलो सर, अरे आई नो यू, अरे फेमस ऑन YouTube, अरे अरे नहीं 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 सर, नहीं सर सच में, अच्छा अच्छा यू आर फ्रॉम हल्द्वानी राइट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लूँ फिर करता है, ठीक है ओके। चलो भाई ये हो गए अपने यहाँ पर, और स्टारबस EV फ्यूल सेल, दोनों आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उधर इलेक्ट्रिक इधर अपना फ्यूल सेल, साथ के साथ ऑल्टरनेट भी आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने फिनिश, अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा। अभी आपको जो इसमें इंजन लग रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 6.7 क्या कुछ ला रहा है यार 2023 में कुछ भी है, तो भाई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रखी हैं, इंजन के तौर पे, एक्सल के तौर पे पूरा डिस्प्ले कर रखा है कि आप समझ सको। जो लोग शोबाजी वाले हैं भाई वो लोग केवल गाड़ी गाड़ी देख लें, जो लोग चाहते हैं टेक्नोलॉजी भी देखना कि अंदर क्या यूज़ हो रहा है, वो लोग यहाँ पर भी इस तरह से आके देख सकते हैं पूरा का पूरा। देखो भाई 5300 लीटर का डीजल पावर्ड इंजन है सामने रखा हुआ, जबरदस्त। अब आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह पर सबके सब कलर थीम एक ही रखी है, टाटा अल्ट्रा। अब यहाँ पूरा कैबिनेट बना के ही दे रही है कंपनी, अपने अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग। 9 टन कैपेसिटी है, कोई ऐसा सामान है जिसको बड़े ध्यान से ले जाया जाता है ना, बहुत क्रूशल सा होता है, उसके लिए यहाँ पर दिया। और अब देखो प्रोटेक्शन ये होती है यार, ब्लाइंड स्पॉट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, एक यहाँ पर अपना आ गया ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर, एक यहाँ आ गया, इस जगह कोई खड़ा तो नहीं है, हैं उसको देखने के लिए। चलो ये हो गया यहाँ पर कवर, हाँ ये रह गया ना, ये आई जबरदस्ती, ये किसके पीछे छुप गया था भाई, ये जबरदस्ती विंगर अपनी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई। इसके इंटीरियर में देख रहे हो, इंटीरियर क्लास ही हो गया, और इसका यहाँ पर बिल्कुल ऐसा दिया आपको जो है बिजनेस क्लास लाउंज, सीट्स वगैरह के पीछे आपको डिस्प्ले लगती हुई दिख रही है, ये देखो इस तरह से लिमिटेड सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 सीट हैं जो लोगों के लिए हैं, क्लास ही लोगों के लिए हैं, और उसके साथ यहाँ पर आ गए स्टाफ बैठे, कोई भी बैठे उनके लिए हैं। चलो बढ़िया ये हो गया, मस्त लग रहा है देखने में। चलो उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर टाटा मैजिक EV, भाई मैजिक जो दिखते थे आपको, जिसे क्या कहते थे ठुक ठुक ठक ठक जाने जाने, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, लेकिन
10 प्लस ड्राइवर आपको यहाँ पर वो अलग कैरेटी बोर्ड टाइप का ईवी मैन 9.9 के साथ सुजुकी ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। और अब किसी भी गाड़ी के सामने आपको जैसे पहले दिखता ना पूरी डिटेल लिखे रहते थे पर्चे पे, तो भाई आपको QR स्कैन करना पड़ेगा जैसे भाई साहब कर रहे हैं अभी हमारे, उसकी डिटेल देखने के लिए डालेंगे। कुछ जगह डायरेक्टली डाउनलोड हो जा रही है फाइल, कुछ जगह हमको भाई डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी। देख रहे हो डाटा कैसे कैसे चोरी हो रहा है जगह जगहों पर। चलो कोई बात नहीं, ये भी धंधा है, दिस इज बिजनेस। तो भाई ये हो गया कवर, वो हो गया कवर। अब शायद एक और चीज़ बची थी, एक और नगीना सा बचा था, क्या शायद उधर है, वहाँ चलते हैं। हाँ, सबसे बड़ा सा ट्रक, बहुत बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का, क्या बात है भाई, शोबाजी वाला, फुल शोबाजी। ओके रिपोर्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई ओके रिपोर्ट है, यहाँ पर आ गए 0.6 रन का। ये अपना जो अपना म्यूनसिपालिटी होती है उनके लिए एक डेडिकेटेड दिया गया है, पूरा का पूरा आई गेस प्लास्टिक ही है। हाँ भाई देखो इस तरह से, जैसे दूध मिल्क वगैरह ऐसे दूध के होते हैं, और उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिए हैं, डैमो दिया है। हेलो सर कैसे हो? चल एक मिनट बस, ये कंप्लीट हो जाए बस, अभी आ गया फाइनल है अभी। और अब यहाँ आ गए 35 टन के साथ आपको दिया हुआ है, 67 लीटर का वही LNG पावर्ड है बिल्कुल इस तरह से। और इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है, टिपर है और आपको ये ऊपर ना ऑटोमेटिक वाला सिस्टम दिया था, मतलब बटन से ही पूरी की पूरी कवरिंग, क्योंकि कुछ भी आप लेकर जाते हो रेता बजरी कुछ चढ़, जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाया उड़ता जाता है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसको कवर करना। हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से कवरिंग हो जाती है। ये पीछे मल्टी एक्सल दिया है और LNG भाई, CNG वाला टाइम गया, अब LNG की तरफ मूव हो रहे हैं। रीज़न क्या है, कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है आपको और उसके साथ साथ जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो गैस है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है CNG में, और इसमें मस्त हो जाता है। देखो एक्सल ही एक्सल तमाम मस्त। तो भाई यहाँ हो गया अपना एंड, इस तरह से करते हैं अपने एंड वीडियो को, पता नहीं कितनी देर का बना होगा, लेकिन पूरा टाटा का जो था ना लाइनअप वो ये था, शुरुआत में अपने जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद अपना जो पोटेंशियल इस समय चल रहा है वो, और उसके बाद आ गया जो फ्यूचर है, इलेक्ट्रिक है, LNG है और फ्यूल सेल है वो कमर्शियल में। तो करते हैं वीडियो का एंड, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, आपको वीडियो चलाओ गाड़ी चल रही तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब लेना, सब्सक्राइब उसमें चैनल को। जय हिंद जय हिंद यार, अच्छा कवर किया यार, अच्छा कवर किया। लेकिन तेरी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी इन सब में, सब में तुझे कौन सी अच्छी लगी यार? वो जो थी क्या कहते हैं उसे, मैं तुझे जिसका तूने बोला था SUV कर, हाँ कर्व यार वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो एक वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरी यार ये जो इतना हैवी टन, मतलब 55 टन तक लोड उठा के लेकर जाएगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी लुक्स भी बड़ी अच्छी दी हैं, वो ऐसे वो जो पुराने ज़माने के वो ट्रक चलते थे ना, वो कंटेनर पीछे डले हुए और उस तरह के नहीं है, बड़े स्मार्ट खूबसूरत और कलर स्कीम बड़ी अच्छी उनकी है ना, मॉडर्न, बहुत शानदार है यार। आप लोगों की कौन सी फेवरेट है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे अच्छी टाटा की ये जितनी भी दिखाई हैं ये इस पवेलियन में सबसे अच्छी कौन सी लगी है। सो गाइज, इस तरह की कोई और एक्सपो हो या फिर इसी एक्सपो में औरों ने भी तो लिया ना, MG के लिए भी उन्होंने बोला कि हॉल है, तो हमारे साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा कि यार MG मोटर्स हैं या फिर और कौन कौन से ने पार्टिसिपेट किया है जो है ना इस एक्सपो में, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी वीडियोस पर भी हम लोग रिएक्शन दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।